चलिए फिर से लॉगिन करना पड़ेगा क्या इसमें? अच्छा लॉगिन तो है यहाँ पे, तो इसको लॉग आउट करें या वापस आए? तो इसको यहाँ से लॉग आउट करने का क्या है, काट दो सीधा, तो लॉगिन फिर होगा ना। चलो तो हमने अभी मॉक टेस्ट वन डिस्कस कर लिया है, और अरे यार ये क्या इसका प्रॉब्लम है। सो ठीक है ना, तो ये हमने पहला मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, और एक सिक्स में कर चुका हूँ पहले भी, दोबारा कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आप ट्राई कर गया हो, तो पहला हो गया यूनिट वाइज, टू मैंने दिया हुआ है, ये रहा यूनिट वाइज टू, सिक्वेंस एंड सीरीज का है ये। ओके तो आप लोग जाना सॉल्यूशन सेक्शन में एंड आपको मिल जाएगा ये टेस्ट। चलिए तो ये क्या 40 क्वेश्चन का टेस्ट था, ठीक है। तो जिन लोगों ने ट्राई किए हैं बताइए, डाउट ही कर लेते हैं, अगर पॉइंट आउट कर रखा है क्वेश्चंस कौन कौन से आपके डाउट है तो। 23 सर। एक मिनट, वर्जित कौन सा? 23। ओके एक एक करके चलिए। सो ये कह रहा है कि लेट अस कंसीडर सीक्वेंस SN जो कि है आपके पास, SN है 1 square, 1 into 3, 2 square, 3 into 5, 3 square, 5 into 7, डॉट डॉट डॉट, तो n square अप टू n square अपॉन 2n-1, 2n+1। तो बताओ कि यहाँ पे SN अपॉन n की लिमिट क्या होगी? तो पहले सम ऑफ सीरीज देखना पड़ेगा, तो समेशन n स्क्वायर अपॉन दिस, ये आई थिंक मुझे लगता है कि उससे पार्शियल फ्रैक्शन समझ आना चाहिए, चेक करते हैं। अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन में n स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं हाँ, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, हाँ 2 है, और न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, तो अगर मैं वैसे करूँ तो ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन नहीं तो और भी तरीके होते हैं कोई इंटीग्रेट का करके या उस तरह से। हाउ कैन वी डू साइन एक्स माइनस का एक्सपेंशन, अगर देखो तुम ए स्क्वायर बाई थ्री, टू स्क्वायर बाई, अच्छा सब में वो है 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, तो यहाँ मुझे क्या करना है, एस एन अपॉन एन की लिमिट चाहिए, तो एस एन क्या होगा, एन के टर्म में आएगा, ये कहना चाह रहे हैं ना, लिमिट एस हो जाएगा। चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं। सो कैसे क्या पुट करें बताओ, सजेशन दो। तो एस एन मैं लिखता हूँ इधर देखो, 1 square 1 into, चलो करके देखते हैं। तो ये टेस्ट टू का, इसी में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सो ये है कि 23 नंबर एस एन आपको दे रखा है समेशन एन स्क्वायर अपॉन 2n-1, 2n+1, है ना, और एन की वैल्यू जो है इसमें, इसमें जो एन की वैल्यू दे रखी है 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पे ऐसा कर लो, अभी n स्क्वायर की जगह k स्क्वायर कर लो आप। सो यहाँ पे मान लो ये है k स्क्वायर एंड देन 2k-1, 2k+1 एंड k फ्रॉम 1 to n, ठीक। तो sn ये कह रहा है कि हम लोग क्या कर ले यहाँ पे, sn अपॉन n कहना चाह रहे ना आप, ओके तो 1/n समेशन, उससे ट्राई कर लेते हैं। तो हमसे पूछा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sn बाई n, तो मतलब 1/n sn, ये ना, तो इसका मतलब है कि समेशन k फ्रॉम 1 to n, यस। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं कि यह k स्क्वायर बाई 2k-1 इंटू 2k+1, बट इसको आप अगर n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहाँ लिमिट भी बाहर है ना, सो है ना, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
इसको आप लिखोगे सो वन बाई एन एंड समेशन के फ्रॉम वन टू एन. तो यहां तुम कहना चाह रहे हो के अपॉन एन का होल स्क्वायर कर दे, एन से डिवाइड कर दे, तो टू के बाई एन माइनस वन बाई एन यहाँ हो जाएगा. लेकिन है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, के से के एन से डिवाइड किया, जैसे ये हो गया और टू टाइम के बाई एन प्लस वन बाई एन. तो इससे क्या होगा आगे बताओ, जो आप लोग सजेस्ट कर रहे थे. तो वन बाई एन का क्या करेंगे, ऐसे लिख सकता 4k स्क्वायर, इसको ना ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं. इसको आप चाहो तो ये तो क्या है यहाँ पे, ये क्या होगा 4k स्क्वायर माइनस 1, यही है ना 4k स्क्वायर. तो जैसे 4k बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, ये तो बनेगा यहाँ पे. हाँ वो तो ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये 0 पे चली जाएगी, यही ना बाद में. लेकिन यहाँ k भी तो 1 से n है, तो n तो फिक्स है, समेशन तो k पे लग रहा है ना, समेशन तो k पे है. तो यहाँ से क्या होगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि dx this, सो ये कहना चाह रहे हो 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 बाई एन कहाँ जाएगा, जो लोग कहें बताओ उनको कैसे एडजस्ट करोगे तुम, हाउ टू एडजस्ट दिस. नहीं दूसरा अप्रोच ट्राई कर सकते हैं, दूसरा भी अप्रोच होगा. तो उससे आ जाएगा, उसको ब्रेक कर सकते थे हम लोग, उससे भी हो जाता. पार्शियल फ्रैक्शन अगर करना है तो पहले पावर वन बना लो, कर लो. आगे क्या करोगे, तुम क्या कहना चाह रहे हो, जो लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं इसको ऐसा कर दूँ एक्स स्क्वायर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा तो वन बाई एन बाद में तो जीरो ही हो जाएगा, है ना समीशन, तो उस पर ही तुम ये कहना चाह रहे हो शायद. तो जीरो से वन डी एक्स, तो ये तो ऐसा हो जाएगा वन बाई फोर ही आ जाएगा इसका आंसर. ऐसा कह रहे हो तुम लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं, चेक करो. तो इससे तो आंसर क्या आएगा, तो वन बाई नाइन है यहाँ पे. तो गुस्सा गड़बड़ है इसमें, है ना, क्योंकि सर ब्रेक कर रहे थे ब्रेक कर रहे थे, 1/36 आ रहा था उसने सॉल्व किए थे, तो हो सकता है. तो उसको हम ब्रेक कर सकते हो तरीके से, ये है कि ये तो यहाँ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तब कर सकते थे हम जब ऐसा होता ना. अच्छा पहले पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर ले, ओके. तो देखो इसमें क्या है ना, यहाँ पे इसको हटा नहीं सकते हम लोग, तो एक काम करो पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ. तो अभी तुम लगाओगे ना, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले तुम सॉल्व कर सकते हो इसको. सो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक कर लो तब कुछ आ जाएगा, ठीक है. तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो पहले क्या है, तुम्हें इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूँ. देखो एस एन जो है समेशन के फ्रॉम वन टू एन, अभी तुम ब्रेक करोगे यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ के स्क्वायर है, यहाँ भी तुम्हारे पास अच्छा 2/8 है शुभम, मतलब वन कहाँ सी ऑप्शन है 2/8. अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो, तो इसका आंसर यहाँ पे ओ 1/4 मतलब 2/8 लगा रखा है, ठीक है. तो इससे तो मैच तो हो रहा है, दूसरा तरीके से ट्राई करके देखते हैं सेम आंसर आ रहा है क्या, उसे करके देखते हैं. तो चलिए ट्राई करके देखते हैं. तो सेकेंड तरीके से ट्राई करेंगे तो उसमें ऐसा होगा, ठीक है वो हमने अभी ट्राई किया था उससे 1/4 आया, दूसरे तरीके से देखते हैं अगर सेम होगा तो उससे आएगा, क्योंकि 1/n बाद में वो हो जाएगा, ठीक है फंक्शन ऑफ के वाई एन, ठीक है हम तो ये जानते ना. यहाँ पे लिमिट हमने फॉर्मूला कल भी लिखा था ये, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये होना चाहिए 1/n और समेशन f ऑफ k बाई n n फ्रॉम 1 टू या k फ्रॉम 1 टू n अगर है, और बाद में n को तो इन्फिनिटी रख रहे हो, लेकिन यहाँ पे दिस विल कन्वर्स टू f ऑफ x dx 0 टू 1, ये था. सो अब सेकेंड अप्रोच इसका ये है,
कि हम लोग ट्राई करते हैं के फ्रॉम वन टू एन. तो अभी क्या करोगे, पहले देखो तुम यहाँ डिनोमिनेटर को ब्रेक करोगे तो के स्क्वायर बाई फोर के स्क्वायर माइनस वन यही बनेगा. तो पहले फोर के स्क्वायर बना लो न्यूमरेटर में, तो फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो तुम. तो ये तुम्हारा समेशन वन बाई फोर बाहर, समेशन के फ्रॉम वन टू एन. और एक काम करो, फोर के स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाई फोर के स्क्वायर माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग. ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया जैसे हमने, तो जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, आई थिंक वो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे देखते हैं. सो यहाँ से ये कैंसिल होके वन हो गया, तो क्या आ जाएगा, वन बाई फोर ये हो गया समेसन, ये कैंसिल होके वन आ गया. तो वन और वन ऐड होगा एन टाइम, ना वन ऐड होगा ना एन टाइम, तो एन प्लस समेसन यहाँ आ गया वन बाई फोर के स्क्वायर माइनस वन के फ्रॉम वन टू एन. बाकी लोग चेक कर लो, ठीक समझ आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है. तो हमने इस एसएन से स्टार्ट किया, सो वी स्टार्टेड विद दिस एसएन, ये जो एसएन है ना इससे स्टार्ट किया हमने. सो इस एसएन से स्टार्ट करके यहाँ पे लिख रहे हैं, तो उसको ब्रेक किया, फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट, ये हो गया. अब क्या आ गया यहाँ से, एन बाई फोर तो बाहर है, प्लस वन बाई फोर रहने दो. अब ब्रेक करोगे के फ्रॉम वन टू एन, तो इजिली हो जाएगा सॉल्व. अब देखो अगर मैं फोर कॉमन भी ले लूँ, या अगर तुम उस तरह से करना चाहो कि टू के माइनस वन इंटू टू के प्लस वन, अब लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसा. तो देखो एस एन तुम आपका आ गया एन बाई फोर प्लस वन बाई फोर समेसन के फ्रॉम वन टू एन, वन बाई टू के माइनस वन माइनस वन बाई टू के प्लस वन. ये कितना एक्स्ट्रा बनाता है ये चेक करो, क्या ये चीज और ये चीज इक्वल है, तो कितना एक्स्ट्रा है. टू ही एक्स्ट्रा है ना, न्यूमरेटर में टू आएगा, न्यूमरेटर में टू आएगा. हाँ तो टू आएगा, टू को बैलेंस कर देते हैं यहाँ से, हो गया. चलो तो अब आपका एस एन आ गया, सो दिस एस एन यू हैव इज एन बाई फोर प्लस वन बाई एट. और इसमें क्या है अब कि इसको तुम ब्रेक करो ना. हाँ सर, आपने यहाँ पे ये 1 by 4 कॉमन कैसे आ गया सर, यहाँ पे ये 4 के स्क्वायर बनाया. नहीं सर, वो ठीक है सर. सर यहाँ पे ये सर ये वाले एक्सप्रेशन में 1 upon 2 के माइनस 1 2 के प्लस 1 के आगे आपने 1 upon 4 लिखा था ना सर, ये वाले में sn equal to n by 4 plus 1 plus 1 upon 4 ये वाला जो है सर, ये सर इसमें 1 by 4 कॉमन कैसे आ गया, वो 4 के स्क्वायर माइनस 1 का तो जो एक्सपेंशन करेंगे तो 2 यही आ जाएगा बस, 1 बाय 4 तो कॉमन शायद ये ब्रैकेट के बाहर है ना 1 बाय 4. अच्छा, बाहर वाला शिफ्ट हुआ, ठीक है. अच्छा जी सर. हाँ ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसमें मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है. सो ये 1 बाय बाहर वाला के अंदर ब्रैकेट में फिर मतलब उसको शिफ्ट किया, ठीक है. तो यहाँ से अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए सिंपली, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज है, कैंसिल होती चली जाएगी. चेक कीजिए, के को वन रखेंगे आप यहाँ पे तो आपका बनेगा वन अपॉन टू इंटू वन माइनस वन, तो वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन थ्री, फिर वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फाइव, ये चलती रहेगी. अभी मैं कैपिटल एन तक है ना, मतलब स्मॉल एन तक है, तो लास्ट जैसे आएगा वो टू एन माइनस वन माइनस वन बाई टू एन प्लस वन, ये बनेगा आपका. सो यहाँ से क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये अगले वाले से कैंसिल, ये खत्म. तो आपके पास अब sn बचा, तो मैंने सम ही निकाल दिया सीरीज का पूरा, ठीक है. और ये जो मैंने टेक्निक लगाया ना क्लास 12th में भी है इंटीग्रेशन में, अगर आप देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिन लोगों को याद होगा, जब सेम डिग्री रहती है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हम क्या करते हैं डिग्री कम करते हैं. कैसे कम करते हैं, जैसे मैंने किया, पहले सेम डिग्री का टर्म बनाए, फिर उसको एक वन बाहर, ये एन तो इसलिए होगा क्योंकि ये वन हो गया, तो ये वन हो गया था, वन एन टाइम ऐड हुआ, सम हो गया. अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन भी अगर इसको मुझे करना होता, मान लो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है ये, के की जगह एक्स होता, तो हम जैसे मैं अभी समेसन निकाल रहा हूँ वैसे इंटीग्रेशन निकलता है, ये क्लास 12th में भी क्वेश्चन है ये, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्चुअली, जैसे समेसन हम निकाल रहे हैं, तो वही यहाँ पे किया मैंने कि ठीक है. देखिए तो यहाँ से अब आ गया, इजिली मेरे पास आ गया 1 बाई 8 बाहर है, बचा 1 माइनस 1 बाई 2 एन प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो एस एन का सम ही आ गया, अब सम आ गया एन बाई 4 प्लस, इसका एलसीएम ले लेंगे आप, तो 2 एन प्लस 1, 2 एन प्लस 1 माइनस 1, 2 एन, तो ये हो गया. अब आप एस एन अपॉन एन जो ही करेंगे, अच्छा आंसर सही आया, मतलब हमारा जो उस तरीके से भी आया था ठीक था. तो यहाँ से आ गया 1 बाई 4 प्लस, कैंसिल करना चाहो ये कैंसिल कर दो, तो 1 बाई 4 इंटू 2 एन माइनस 1, ठीक है जी, देख लो सॉरी प्लस 1, इज इट फाइन. अब आप इस पे लिमिट लगा दो,
लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एस एन अपॉन एन, तो ये तो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में एन है, और जो एन यहाँ डिवाइड किया ना वो इस एन को खाया और इस एन को खाया, ठीक है ना, तो इस तरीके से सो बचा सिर्फ 1/4, सो मतलब ये ठीक है, 2/8 इज ओके, ठीक है जी, इनका डाउट तो देख लो, इज इट फाइन। तो एक मेथड ये है, और दूसरा मेथड जो हमने किया था वो भी ठीक था, मतलब है ना, वो मैं वेरीफाई करना चाह रहा था, तो जो हमने शुरू में किया था कि एस एन अपॉन एन था, तो दैट वाज लाइक लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एंड वन अपॉन एन समेशन, ठीक है, वो जो हमने लिखा था के स्क्वायर बाय 2k माइनस 1 2k प्लस 1, जो ये था k फ्रॉम 1 टू n, यही था ना हमारे पास, तो उस तरीके से जो हमने किया था वो भी ठीक था, मतलब सो ये 1 बाय n समेशन k फ्रॉम 1 टू n, तो ये k बाय n का होल स्क्वायर, और इसको खोल ही लो, क्यों ही पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, खोल ही लो उसको, है ना, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, तो k बाय n का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय n का होल स्क्वायर, तो हमें k बाय n को x रखना होता है, तो ये dx बन जाता है और ये समेशन इंटीग्रेशन बन जाता है x square by 4x square minus, और n tends to infinity पे 1 by n square कहीं कहीं 0 हो जाएगी dx, और ये हो गई 0 से 1, तो ये finally 0 से 1 1 by 4 dx, तो वही आंसर आ गया 1/4, ठीक है, सो मैं वेरीफाई कर रहा था कि दिस इज फाइन, सो दिस इज ऑल्सो फाइन एंड दिस इज ऑल्सो फाइन, तो दो अलग अलग तरीके से ट्राई किए। चलिए डाउट है तो पूछो सर, क्वेश्चन बता दिया क्या, कौन सा क्वेश्चन, लेमनीज वाला, नहीं उसमें बताया नहीं, लेबनीज रूल वही है कि जस्ट जो जैसे तुम्हारे पास दो फंक्शन था ना कल हमने देखा, मतलब एक तो फंक्शन है लिमिट में रहती है जी एक्स एच एक्स, है ना, जी एक्स टू एच एक्स, तो वो दोनों डिफरेंशिएबल होने चाहिए जी एक्स और एच एक्स, और जो हमारे पास इनसाइड फंक्शन है लेट से उसको क्या नाम दिया था एफ टी कॉमा एक्स, है ना, तो वो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होने चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाए, तभी तो वो कर पाएंगे हम, और उसका कॉन्टिन्यूस होना भी एक रिक्वायरमेंट होगा, दैट्स व्हाई, तो मतलब इसीलिए वो क्वेश्चन गलत हुआ था तब, क्योंकि आंसर तो मैच हो ही रहा था वो, ये नेक्स्ट, हाँ तो इसमें बताइए अभी हमने हाँ संजय क्या पूछ रहे हैं सर, सीरीज का सम ऑलवेज ज्योमेट्रिक एंड टेलीस्कोपिक सीरीज ही निकलते हैं क्या, या कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है, नहीं ये मतलब एक इजी वे है ज्योमेट्रिक या टेलीस्कोपिक से इजीली सम आ जाता है ना, बट जरूरी नहीं यही है, आपके पास बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं सीरीज के, क्योंकि यहाँ पे एस एन बाई एन पूछ रहा था, तो अब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, जनरलाइज भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन टेलीस्कोपिक से ही हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है वहाँ टेलीस्कोपिक बन जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है तो सम निकालना आसान रह जाता है, हाँ सम निकालने के लिए, हाँ टेस्ट से सम नहीं आता, राइट आप सही कह रहे हो, तो सम निकालने के लिए वही एक तो, हाँ एक तो ज्योमेट्रिक का तरीका हो जाता है कि वन आर स्क्वायर आर आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाए, जहाँ आर लेस देन वन हो या मॉड आर लेस देन वन हो तो उसकी सम फाइनाइट होगी, और एक तरीका है, और दूसरा तरीका ये होगा टेलीस्कोपिक कैंसिल हो जाएगी, ये है, या और भी तरीके हैं जो सीरीज एक्सपेंशन होते हैं, कई बार एक्सपेंशन दे रखा आप पहचान लो कि जिसका एक्सपेंशन है तो सीधा वो आ जाएगा, e की पावर x का एक्सपेंशन है या साइन x का है, या कई बार डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है, कोई ऐसा एक्सपेंशन है साइन का एक्सपेंशन है उसको डिफरेंशिएट करके तुम्हें दे दिया, तुम्हें पहचानना पड़ेगा अच्छा ये साइन के एक्सपेंशन का डेरिवेटिव है, तो उसको पहले आप इंटीग्रेट कर सकते हो फिर फंक्शन, तो सम आपको फंक्शन ढूंढना होता है, तो उससे कई बार डायरेक्टली एक्सपेंशन जो रहता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हो जाता है, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन पे भी क्वेश्चन रहते हैं, ये किसी एक्सपेंशन का डेरिवेटिव हो सकता है, किसी एक्सपेंशन का इंटीग्रेशन करके दे सकता है, तो वही करना होता है, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन है उस पर, ठीक है। चलिए हाँ तो हमने अभी 23 किया, नेक्स्ट बताइए सर थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, ओके 1/1, तो लिमिट सी टू प्लस 1/n², ये कुछ मिसिंग है इसमें, आई थिंक कुछ मिसिंग है राइट, यस सर आई थिंक आल्सो दिस, हाँ हाँ कुछ मिसिंग, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, पूरा कंप्लीट नहीं किया इसको, भेजना पड़ेगा, सो ठीक है नेक्स्ट बताइए, इसमें गलती है 15 है कि द सीरीज के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स बाई 1+x की पावर के ऑन द इंटरवल कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली, एक्चुअली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ये जो फंक्शन है ये फंक्शन का कन्वर्जेंस होता है एक्चुअली, तो आप सम तो इजीली निकाल लेंगे ज्योमेट्रिक से, निकाल लेंगे ना,
लेकिन पॉइंट वाइज और ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आपके सिलेबस में नहीं है, है ना? जैसे कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिस्कंटिन्यू, ये भी सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन है। कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली, ये हायर लेवल पे है, यहाँ पे नहीं है। सो हाँ, बट सम निकाल सकती है, ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, तो आप अज्यूम कर लेंगे कि मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स लेस देन वन है, तो उस केस में आप इजिली सम निकाल सकते हैं। वही तो है r plus r square plus r cube plus so on, तो r की पावर, तो सीरीज का सम निकाल लेंगे। अब जो सम एक फंक्शन आएगा, सीरीज का सम आ जाएगा ज्योमेट्रिक फॉर्मूला से, a upon 1 minus r से। अब उससे जो फंक्शन आएगा वो पूछ रहा है क्या वो कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज यूनिफॉर्मली, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फंक्शन का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ये प्योर एनालिसिस में आता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जामे में इसमें, ये गेट एम एम सब आता है, इसे बाहर का। नेक्स्ट बताइए, दो दो का गैप है, मतलब ये क्या कर रखा है, ये क्या है, मतलब 6-4 का गैप 2 है, 5-3 का, 5-3 का 2 है, 6-4 का 2 है, 7-5 का 2 है, तो क्या होना चाहिए था आगे, 5-6-7-3-4-5 ऐसा चल रहा है ना, तो इसमें पहले दो टर्म का कुछ प्रॉब्लम किया है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले दो टर्म हटा दो, तो पैटर्न क्या है। हाँ ऐसे है, वो 3/1 फिर 4/2 और फिर 5/, मतलब सही कह रहे हैं आप, हाँ उसको फिट करना पड़ेगा हमें, है ना, ठीक है, सही कह रहे हैं, 3/1, 4/2, तो ये 3 है, ये 2 है, फाइन फाइन, 3/1, 4/2, 5/4, 6/5, 7/6, 5/3 फिर 6/4, अच्छा मैं तो, एक मिनट मैं लिखा, हाँ वो 5, 6, 7, तो यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैच कर लेते पहले क्वेश्चन, तो ये हमारा है 3 मतलब 3/1 और 2 मतलब 4/2, सही है, 5/3, 6/4, 7/5, डॉट 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 है आगे एक्चुअली, तो ये डॉट डॉट इसके है, तो आप इसका निकालिए, डॉट 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 डॉट, तो ये क्या लग रहा है आपको, सीरीज क्या है, अच्छा ये तो ये कुछ इस तरह का है ना, क्या चल रहा है, ऐसा कर सकते हैं, n प्लस 2/n कर सकते हैं, या मर्जी है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही है, तो लिमिट n लेने पे तो सर 1 आएगा ना, क्या लेने पे, हाँ वो नहीं आएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दे रखा है ना, आप लोगों का बना है और फिर बाउंडेड हो गया, n प्लस 2/n है तो लिमिट तो 1 ही आ जाएगी, तो ये क्या लिख रखा है, इनफिनिटी है, टाइपिंग में मिस्टेक है, 3210 रहा होगा ऑप्शन, 3210, ये 1 को इनफिनिटी कर दिया, इसने गलत किया है, ये सब भेज देना आप, जो भी गलतियां मिले स्क्रीनशॉट लेके फोटो लेके आप भेज देना, वो करेक्ट कर देंगे, बस ये बता देना टेस्ट नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो ताकि ईजी रहेगा उनको करेक्ट करने, ठीक है, अगला बताइए, 18, ओके 12 करा कि 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर n और अपॉन में 5 प्लस 3 इंटू 10 की पावर n, लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी क्या हो जाएगी, तो 10 की पावर n से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, क्या होगा बताइए, हो जाएगा ना, यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 की पावर n, तो बनेगा 1 अपॉन 10 की पावर n प्लस 2 5 अपॉन 10 की पावर n प्लस 3, तो पहले टर्म 0 हो गए, तो बचा 2 अपॉन 3, करेक्ट आंसर है, फाइन है, ओके सर, हाँ, सो जब भी आपको लगे जो इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी का फॉर्म है, तो आप डिवाइड कर दो उससे, ठीक है, या आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते थे यहाँ पे, एल हॉस्पिटल लगा लो तभी आंसर वही आएगा, लेकिन आपको फिर वहाँ a की पावर n, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, कहा कि ये सीरीज का सम निकाल लो बट जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन के कन्वर्जेंस की बात कर रहा था, तो हम लोग हमारे सिलेबस में ये फंक्शन का कन्वर्जेंस नहीं पढ़ना है ना, 14
एफ एन एक्स टैन इनवर्स एन एक्स है, ये मतलब ये जिसने पेपर बनाया ना उसको बताना पड़ेगा ये, है ना, उसने बहुत सारे बाहर क्वेश्चन डाल दिए। टैन इनवर्स एन एक्स है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, आपको सिक्वेंस का कन्वर्जेंस पढ़ना है, फंक्शन के कन्वर्जेंस नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या है, सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर का कन्वर्जेंस है, फंक्शन का कन्वर्जेंस नहीं। ये फंक्शन का कन्वर्जेंस पूछ लिया आपसे, है ना, सिक्वेंस में एन है, जैसे यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, अब फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये इसमें कुछ क्वेश्चन उसने बाहर के डाले हैं, है ना, टोटल 40 क्वेश्चन है ना इसमें। तो ये भी बाहर के ही हैं, आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फंक्शन का नहीं है, या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी नहीं है, फंक्शन का कन्वर्जेंस नहीं है। टू सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और ए एन बी एन दो सिक्वेंस है रियल नंबर का, और इस तरह से कि दोनों ए एन स्क्वायर और बी एन स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है, तो क्या ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर प्रोडक्ट भी कन्वर्ज करेगी? श्योरली कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, स्क्वायर तो मॉड लेने में कोई दिक्कत तो आएगा नहीं, हाँ एब्सोल्यूट तो ठीक है, है ना, एब्सोल्यूट, बट कन्वर्जेंस कोई एग्जाम्पल ऐसा मिलेगा आपको लगता है कि जो दोनों अलग अलग कन्वर्जेंस प्रोडक्ट कन्वर्जेंस ना हो, ये हो जाएगा कैसे? अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं 2 ए बी को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट, ओके 2 ए बी को लिख सकता हूं। उस तरीके से ब्रेक कर दूंगा अगर मैं, सो दो सीरीज अगर खुद कन्वर्जेंट है उसका सम तो कन्वर्जेंट होता ही है, ये ओके है, और उसका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा तो उससे आ जाएगा, हाँ ठीक है ना, 2ab बराबर, चेक करो तुम्हें लगता है कोई काउंटर एग्जांपल है इसका जहां प्रोडक्ट कन्वर्ज ना करे, सीरीज का प्रोडक्ट? अच्छा एक काम करो, यहाँ पे हम ऐसा अगर करें कि रेशियो इसका ले ले, तो रेशियो की लिमिट क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर अपॉन बी, ना कोई टेस्ट लगा लो, देखो एन स्क्वायर कन्वर्ज, एन स्क्वायर की लिमिट जीरो है, बी एन स्क्वायर की भी लिमिट जीरो है, ठीक, एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर क्या लगता है तुम्हें, आई थिंक ये ओके है, कोई दिक्कत है, एब्सोल्युटली होगा, एब्सोल्युटली हमेशा इसलिए होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो मॉड एब्सोल्युटली क्या होता है कि जैसे खुद कन्वर्जेंट हो मॉड भी कन्वर्जेंट हो, तो जैसे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब है ये खुद कन्वर्जेंट हो और इसका मॉड भी कन्वर्जेंट हो, लेकिन इसको तो फर्क पड़ ही नहीं रहा मॉड से ना, क्योंकि ये तो मॉड लगाने पे इसको कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो मॉड क्योंकि स्क्वायर है ऑलरेडी, तो स्क्वायर और ये दोनों कन्वर्ज करेगी, तो ओके है, मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट कन्वर्ज कर जाएगा, प्रूफ अगर करना तो प्रूफ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, सो टू है ना, मैं ये कह रहा था कि ए बी को, 2ab को मैं लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर 4ab हो जाएगा ना, और a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, और अगर an का कन्वर्जेंट, an का स्क्वायर कन्वर्जेंट होगा, एक मिनट रुको रुको, मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई करते हैं, रुको काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो समेसन an का स्क्वायर अगर कन्वर्जेंट है या ए एन खुद कन्वर्जेंट है, तो क्या एन स्क्वायर कन्वर्जेंट होगा, तो उसमें जो दिक्कत क्या है, और यहाँ पे है, रुको रुको रुको, इसका एग्जांपल मिल रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो हम तो अल्टरनेटिंग सीरीज तो ले भी नहीं सकते हम यहाँ पे, तो अल्टरनेटिंग तो ले नहीं सकते, तो ये खुद पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो अल्टरनेटिंग यहाँ वर्क नहीं करेगा, अगर सिर्फ ए एन बी एन होता तो एग्जाम्पल मिल जाते, जैसे माइनस वन की पावर एन 1/√n ले लो तो वो कन्वर्जेंट है, माइनस वन की पावर में प्रोडक्ट तो भी नहीं कन्वर्जेंट होगा, लेकिन चूंकि स्क्वायर है इसलिए होगा, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता ये, लिमिट एन के जीरो, इसके स्क्वायर है ना, तो इसलिए ऐसा कोई काउंटर में ब्रेक नहीं कन्वर्ज करेगा ये, ठीक है ना, ये है एक वो आता है तुम्हारे पता है कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, सुना है तुमने, क्या कहता है अगर लगाना हो, वो ये कहता है कि मॉड ए एन बी एन जो होगा ना,
मान लो सपोज ये है, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू रूट अंडर समेशन ए एन और समेशन बी एन, ऐसा कुछ आता है, तुम चेक करना, इसका प्रूफ इससे आ जाएगा, कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट सर्च करो और उसमें फिट बैठ जाएगा, कुछ ऐसा होगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ लिख दूँ तो ये ओके हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट आ जाएगा, प्रूफ उससे आ जाएगा, अगर प्रूफ देखना हो तो। ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, हमें श्योर नहीं, थोड़ा सा तुम चेक कर लेना, ठीक है, कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी गूगल कर लो और उससे प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर 18, चलिए 18 कह रहा है कि सपोज समेशन ए एन एक्स की पावर एन कन्वर्ट, पावर सीरीज है हमारे सिलेबस में, ठीक है, तो सपोज ये पावर सीरीज है जो लिखा है यहाँ पे, कि ए एन एक्स की पावर एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स बराबर -3 पे और डाइवर्ज कर रहा है एक्स बराबर 0 पे, ओके, तब -1 की पावर एन जो है वो कन्वर्ज करेगी, है, देन दिस कन्वर्जेस, तो इसका क्या रिलेशन है उससे, कुछ टर्म मिस किए क्या, तो -1 की पावर एन की सीरीज तो कन्वर्ज नहीं करती है ना, क्योंकि ये तो ऑसिलेटिंग हो जाती है, सीरीज भी एक बार सम 0 आ जाएगी या फिर सम है ना डिपेंड करता है 1, ओके, तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रू दे रखा है, तो कुछ मिसिंग है फिर, अगर इसका मतलब है तो -1 की पावर एन टाइम कुछ ए, हाँ ये कुछ ऐसा होगा -1 की पावर एन इंटू ए एन टाइप होगा, है ना, तब ट्रू हो जाएगा, उस तरीके से कुछ। और नेक्स्ट में थोड़ा मिसिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट बोल रहा है कि द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो वो आपने देखा था ना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं उसके लिए, ओपन इंटरवल -4 अच्छा, मतलब 4 और -4 इंक्लूडेड नहीं है, है ना, तो अगर मैं रख दूं, चलिए x को 4 रख देते हैं, तो x को अगर हमने 4 रख दिया तो ये हो गया हमारे पास 4 की पावर इन कैंसिल, तो -1 की पावर अपॉन 1 अपॉन लॉग इन, क्या 1 अपॉन लॉग इन क्या है, डिक्रीजिंग है कि नहीं है, तो ठीक है, तो मतलब 4 इंक्लूड हो जाएगा, मुझे लग रहा है 4 कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय लेबनिज़ टेस्ट, मतलब x बराबर 4 रखने पे, ये सीरीज की बात कर रहा हूँ, जो q स्टेटमेंट में आपका सीरीज है, अगर x को मैं इसमें 4 रख दूँ, तो x को मैं 4 रख दूंगा तो 4 एक बार कैंसिल हो गई, तो वो कन्वर्जेंट है, -4 पे चेक करते हैं, -4 पे प्रॉब्लम होगी, राइट, इस तो हो सकती है ना, -4 रख देंगे तो 4 इन फोर कैंसिल, -1 की पावर एन, -1 की पावर एन 1 हो गया, तो समेशन 1 बाई लॉग इन, इसका बताओ भाई तुम लोग क्या जानते हो, देखो एक में क्या है, मैं कह रहा हूँ x को जब 4 रखोगे तो जो बी एन में आपकी सीरीज है वो कुछ ऐसी बन रही है, लॉग एन मान लो 1 से इन्फिनिटी है या 2 से होगा, 1 नहीं होगा, और x बराबर -4 रखते हैं ना हम लोग, तो हमारा बनता है, 2 से इन्फिनिटी कर देता हूँ, ये बनता है 1 अपॉन लॉग एन, सो ये तो कन्वर्जेंट होगा बाई लेबनिज़ टेस्ट, चेक कर लो भाई, वट अबाउट दिस, तो बेस ई रहते हैं हम लोग, सो जो लॉग एन है लेस देन इक्वल टू एन है, सो वन डाइवर्जेंट होना चाहिए, है ना, हाँ, क्योंकि ये इसका लॉग एन एक्सपेंशन करेंगे एन कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ये इसकी इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी होगी, तो दिस इज डाइवर्जेंट, ओके, तो मतलब ये है कि अभी के हिसाब से जो अभी क्वेश्चन है, मतलब जो लिखा है सब सही मान लेते हैं, गलत नहीं मानते, तो उसके हिसाब से ए भी गलत है, बी भी गलत है, है ना, ठीक है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है, क्यू तो ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स है, पी में -1 की पावर एन के साथ कुछ होगा, ए एन होगा टाइप का, या एक्स एन उस तरह एक्स की पावर एन टाइप का कुछ होगा, उस तरह से तो लिखना पड़ेगा क्या है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट बताइए, नहीं समझ आया, 19 अच्छा, A1 1 है और An plus 1 बराबर An बराबर दिस, स्टेटमेंट ये कुछ अजीब लग रहा है, नहीं नहीं ये थोड़ा मुझे लग रहा है मिस्टेक हुआ है, इसमें कुछ ऐसा होगा
कुछ इक्वेशन रही होगी रिकरेंस रिलेशन, है ना, उस तरह से कुछ रही होगी। हाँ देन ए एन कन्वर्जेस टू, ये इन लोगों ने सही से वो नहीं किया है। तो यहाँ पे कुछ वो होगा जैसे एन माइनस ए एन बराबर दिस, ये इस तरह से होगा कुछ, या कुछ ऐसा होगा ना, कुछ तो इसमें इसने लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक किया है ना। ऐसा हो सकता है ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन माइनस फोर ए एन माइनस वन माइनस वन, इस तरह से। तो ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो उस केस में आप लोगों को पता है, मान लो अगर इक्वेशन करेक्ट होता क्या करते हैं कि अगर ए एन एल पे जा रही है तो ए एन प्लस वन भी एल पे जाएगी, ए एन माइनस वन भी एल पे जाएगी, तो इक्वेशन से आपको कुछ रिलेशन मिल जाएगा, है ना, एल इज इक्वल टू फोर एल माइनस वन, मान लो ऐसा है। सो उसे ये कुछ इक्वेशन में गलती लिखाई है, इक्वलिटी की जगह प्लस या माइनस कुछ होगा बीच में जो उसने गलत किया, ये सब भेजना उनको करेक्ट करके, फिर मैं आगे पीडीएफ भेजूंगा फ्यूचर में। अभी मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग अब सिलेबस ही कर रहे हैं, तो आपको इन सब का टेस्ट का पीडीएफ, क्योंकि आपके पास टेस्ट का एक्सेस तो 24 घंटे हैं, तो आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप पोर्टल पे जाओ, ओपन करो, वहां देख देख के सॉल्व करो, पीडीएफ आपको एंड में मिलेगा जनवरी में, ठीक है ना, तब तक सारे बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे टेस्ट का। असाइनमेंट का पीडीएफ मैं बहुत सारे भेजूंगा अभी, वो आप आराम से ट्राई करना, डाउट क्लास डेली चल रही है, बीच में डाउट डिस्कस कर सकते, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसको, ठीक। हाँ नेक्स्ट 20, ठीक है। ये कह रहा है आपका कि एक्स एन वाई एन बी द टू सीक्वेंस इस तरीके से कि ए एन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन बाई एन स्क्वायर है, वाई एन माइनस, तो इसका एक कल थ्योरम लिखाया था मैंने, कल क्लास में कल लिखा रहे थे कि इस पे सम लगा दो दोनों तरफ, जो पहले इनइक्वालिटीज पे दोनों तरफ सम लगा दो, तो किसके राइट साइड कन्वर्ज करेगी, पहले वाले में। तो ये थ्योरम है कि एक्स एन माइनस वन का सम अगर तुम्हारा, है ना, वो कन्वर्ज करेगी, तो ये एक्स एन जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, तो एक्स एन तो कन्वर्जेंट है, क्यों, क्योंकि समेशन वन बाई एन स्क्वायर कन्वर्ज करेगी, और ये आपका समेशन इधर लगाओगे वाई एन वाले में तो राइट साइड कन्वर्ज नहीं करेगी, इसलिए वाई एन में नॉट कन्वर्ज, मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी। समझ आया भाई, क्या लिख के बताऊँ? यस सर, हो गया, हो गया, है ना, कल थ्योरम लिखाया था मैंने इसका, ठीक है। नेक्स्ट नहीं समझ आया 25, तो कंसीडर द सीरीज समेशन माइनस वन की पावर एन प्लस वन एन फैक्टोरियल का स्क्वायर थ्री, अच्छा 24, ओके। हाँ क्योंकि आवाज नेटवर्क की वजह से दिक्कत हो जाता, अच्छा पी टेस्ट से, ओके पी टेस्ट से, यस। सो यहाँ से क्या है आपका 24, चलिए 24 देखते हैं। सो ये कह रहा है कि अल्फा बीटा बी द रियल नंबर एंड कंसीडर द सीरीज, सो वन अपॉन एन की पावर अल्फा लॉग एन की पावर बीटा होगी, ये एक्चुअली इनटू में दिख रहा ना आपको, ये पावर में है एक्चुअली, सो वन अपॉन एन की पावर अल्फा है और लॉग एन की पावर में बीटा है, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कन्वर्ज करेगी, तो ये आपको लगाइए टेस्ट या रेशियो टेस्ट लगा के देख लो, आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, या रेशियो द रूट टेस्ट लगा के देख लो, कुछ आइडिया लग जाएगा इस तरीके से। सर वो इसमें वो 2 के पावर n वाला लगाएंगे, 2 के पावर n f 2 के पावर n वाला, अच्छा वो भी चल जाएगा, अच्छा ओ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगा लो, ठीक है ओके चल जाएगा, बीटा ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करते हैं फॉर अल्फा इक्वल्स टू 1, अच्छा ठीक है, तो अल्फा 1 रखेंगे तो बीटा मोर देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगा, ओके सो ठीक है, तो मतलब ओके समझ आ गया ना जी। सर ln raise to b है कि b है, नहीं ln पावर है, पावर है बीटा एक्चुअली, वो पावर ही है, लिखने में मिस्टेक किया, ठीक है ना, तो n की पावर अल्फा ln की पावर बीटा करके आप कीजिए और कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाइए, हो जाएगा ठीक है। 22 तो ये कह रहा है कि an bn आपका सीक्वेंस है और ए एन जो है 2n प्लस 3 की पावर n की पूरे पावर 1 बाई n है, और जो बी एन है वो n अपॉन समेशन 1 बाई ए एन है, यहाँ ए एन होगा एक ही जगह जो है ए एन है, तो व्हाट इज लिमिट ऑफ बी एन, ठीक है, तो आप पुट कर लीजिए, तो
लिमिट बी एन निकालना है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उसका सम निकाल सकते हैं। सम कैसे आएगा, ज्योमेट्रिक टाइप का बनाएगा, देखते हैं। सो ये कुछ कह रहा है, ये 22 है ना, देखिए। तो जो 22 है आपका, कि ये ए एन आपको दे रखा है 2 की पावर एन, 3 की पावर एन, 1 बाई एन, और बी एन एक नया दे रखा है एन अपॉन समेसन 1 बाई ए एन, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो आपसे नहीं, इन्फिनिटी नहीं क्या है, तो अच्छा 1 टू एन, ये 1 बाई ए एन ही है, 1 बाई ए आई होगा, तो आई मीन्स क्या, 1 बाई ए आई, आई फ्रॉम 1 टू एन, ठीक है। सो 1 बाई ए आई, एक थ्योरम होता है ना ये, कोई बताओ ये कौन सा थ्योरम, कोची सेकंड या कुछ इस तरह का नाम है ना इसका। सर ये हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, तो अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है इसकी लिमिट। यस, ये आपका यही तो है a1 तो ये तो इसका लिमिट की वैल्यू सिंपली an बार है। अरे ये ऐसा है ना, ये तो bn तो ऐसा है 1 अपॉन 1 बाय n समेशन ai, यही तो अर्थमेटिक मीन है ये वाला, चेक कीजिए। पहले an की लिमिट निकाल लेते हैं, चलिए पहले an की लिमिट निकालेंगे, फिर 1 बाई ये इक्वल होगा लिमिट ऑफ an के, आप जो कहना चाह रहे हो ये कहना चाह रहे हो ना। ये हार्मोनिक मीन नहीं, हार्मोनिक मीन में क्या होता है, यहाँ 1 बाई वो चल रहा होता है 1 बाई ए वन, 1 बाई ए टू। अच्छा वही तो था, मैंने गलत दिखाया, एक मिनट हाँ यहाँ पे वही है, ओके मैंने तो यहाँ पे, अगर ये होता तो फिर ऐसा कर देते, मैंने ना गलत दिखाया। तो उस पहले an की लिमिट निकाल लो तो ठीक है, हाँ आप सही कह रहे हो, ये मतलब क्वेश्चन में मैंने लिखने में गलती करा है यहाँ पे। वन अपॉन ये है समेसन 1 बाई ए आई, आई फ्रॉम 1 टू n, n अपॉन, एक बार चेक करो, मैं अगर कहीं मिस्टेक करूँ बताना, ए वन प्लस ए टू एंड सो वन, ठीक है अब आप सही कह रहे हैं। सो ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है। अर्थमेटिक मीन सब लोग जानते हैं ना, जो सिक्वेंस ए वन टू ए एन का जो अर्थमेटिक मीन है, आप सब जानते हैं कि ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन बाई एन है। जो ज्योमेट्रिक मीन होगा आपका ए वन इंटू ए टू इंटू ए एन की पावर 1 बाई एन है, और जो हार्मोनिक मीन होगा वो आपका ये होगा एन अपॉन 1 बाई ए वन प्लस 1 बाई ए टू अप टू 1 बाई ए एन, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके तो चलिए, तो इसका लिमिट क्या होगा, तीनों का लिमिट है ना इक्वल रहेगा, तो एन की लिमिट किसके इक्वल आएगी, एन की लिमिट निकाल लो पहले। तो एक काम करो, एन में जो लार्जर नंबर है वो कॉमन लो, 3 बाहर आ जाएगा, तो 1 मतलब 2 बाई 3 की पावर क्या n प्लस 1 इस पूरे की पावर 1 बाई n, यही होगा ना, 3 बाहर कर लो। सो व्हाट इज लिमिट ऑफ an, अब बताओ लिमिट ऑफ an, हाँ इसकी लिमिट निकालनी है मुझे, तो 3 बाहर है और 1 प्लस एक्स की पावर 1 की पावर इन्फिनिटी, एन टेंस इन्फिनिटी 1 बाई, अच्छा एक मिनट, तो इसको मैं एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये क्या बनाएगा, 1 प्लस 0 पावर 0, तो 1 ही 3 रह जाएगा, नहीं तो 3 रह जाएगा एन, तो 3 हो गया, तो इसकी लिमिट भी 3 आ जाएगी। सो बी एन आपसे पूछा क्या है, बी एन की लिमिट पूछा है ना, तो ए एन की लिमिट 3 है तो बी एन की भी लिमिट 3 होगी, ठीक है जी, ये है। तो जो भी पॉजिटिव टर्म सीक्वेंसेस हैं इन तीनों का लिमिट इक्वल आता है, ठीक है, इसका लिमिट, इसका लिमिट, इसका लिमिट और इसका इक्वल आएगा लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी an के। नेक्स्ट, बोलो भाई अगला क्वेश्चन। सर मेरा तीसरे वाले स्लॉट है, थर्ड नंबर, थर्ड टेस्ट, थर्ड टेस्ट का, सेकंड टेस्ट में खत्म हो गया सबका, 36 एक मिनट चैट में लिख दो आवाज क्लियर, पता नहीं मेरे तरफ नेटवर्क वीक है, आप लोग तरफ पता नहीं समझ आ रहा, एक तो 37 समझ आया शायद, ओके 32D, ठीक है 32D के बाद 32 में MSQ है ये, अच्छा
एन वन प्लस वन बाई एन, तो एन की लिमिट हम लोग जानते हैं ई है, अच्छा, और बी एन की लिमिट आएगी वो भी ई आएगी, ठीक है। सो ए एन की लिमिट ई है, और एन अगर आप टर्म्स निकालोगे, ए वन क्या होता है, वन प्लस वन की पावर वन, तो टू लिमिट जा रही है ई पे, तो ए तो इंक्रीजिंग है, ठीक। और बी एन में क्या हो रहा है, जब बी वन निकालेंगे आप, तो बी वन निकालेंगे तो बी वन क्या आ रही है, ठीक है, बी वन जो आएगी यहाँ से वन प्लस वन की पावर टू, मतलब टू की पावर फोर आ रही है ना, एन जाती रहेगी, तो पहला टर्म फोर है, अगली टर्म कम होगी, तो डिक्रीजिंग नहीं है क्या, आपको क्या लग रहा है, बी एन डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग होगा ना, बी एन, बी एन की लिमिट क्या आती है, डिक्रीजिंग होगा, फोर से ई आएगी ना, हाँ ई आएगी, ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू 2.718, हाँ अप्रॉक्स 2.718, और फोर है ये घट रही है, तो फिर इसका मतलब सर डिक्रीजिंग हो गया, हाँ पहला टर्म बी एन का फोर है ना, एन को वन रखो बी एन में, आप पहला टर्म फोर नहीं दे रहा है, चेक करो, यू पुट एन इज इक्वल टू वन इन बी एन, और लिमिट जा रही है 2.718 पे, तो डिक्रीज हो गई तो जाएगी, बढ़ कैसे जाएगी, yes. इंक्रीज होता तो फिर वो फोर के बाद फोर से बड़ी लिमिट आती है, तो आप चेक करो एक बारी, एन को वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, फोर रखो, तुरंत टर्म्स निकाल के देख लो, तो लिमिट ई है, ई टू पॉइंट दिस है, पहला टर्म इसका फोर है, तो फोर से घट के ही तो जाएगी ई तक, लिमिट कन्वर्ज करती है लार्ज में ना एन पे, ठीक है ना, एन इंक्रीजिंग है, एन में पहला टर्म टू है ना, और लिमिट जा रही है 2.7 पे, तो इंक्रीज होकर वहां तक पहुंचेगी, कुछ टर्म्स निकाल के आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। हाँ तो 32D के बाद 36 और 40 जो आपका है, 36 कह रहा है कि अल्फा जो है आपका वो इस तरह से है, अच्छा क्या कह रहा है, 0 1 point be the given real number written in base 10, अच्छा, and that is the n की power b digit of 2 1, 2 is 1 unless n is the form of this and this minus 1, तो मतलब ठीक है, मतलब decimal form है, base 10 मतलब decimal form है, और that is the n की power b digit of 2 is 1, तो ये कहना चाह रहा है कि unless n is of the form k into k plus 1 upon 2 minus 1, सर हाँ वैसे इसमें अल्फा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट है, 10110 1110 40 हाँ, तो ये क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग तो इरेशनल, हाँ तो बाकी ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है ऐसे, तो है ना पैटर्न समझ सकते हैं हम लोग, नहीं तो लेकिन ये फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, अल्फा इज नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन, अल्फा हैज नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन, पीरियोडिक क्या होता है, रिपीट होगा, जैसे एग्जांपल के लिए 22/7 निकालते हैं तो क्या आता है, 0 पॉइंट के बाद आता है 1428 57, 1428 57, 1428 57, 1428 57, तो वो रिपीटिंग हो गया, पीरियोडिक हो गया, तो कह रहे हैं पीरियोडिक नहीं है, सही बात ना, पीरियोडिक नहीं है ना, मतलब एक ही चीज बार बार आएगी, जिसको रेकरिंग बोलते हो तुम लोग, रेकरिंग नहीं लगा सकते ना, अल्फा इरेशनल है, इरेशनल का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रेकरिंग हो, जिसका रेकरिंग नहीं लगा सकते तुम, और वो नाइदर रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहा, तो खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा, कोई रिपीट करता तो आप बाहर दबाते थे वहां पे रेकरिंग लगाते थे, तो ना तो आप यहाँ रेकरिंग लगा सकते हैं अल्फा में, और ना ही आप ये टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल है अल्फा, और अल्फा का नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पीरियोडिक नहीं है, मतलब बार नहीं लगा सकते आप, रिकरिंग नहीं लगा सकते इस पे, रिपीट नहीं कर रहा मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पे पीरियोडिक नहीं है, तो सही बात है, तो यहाँ रेशनल का डेफिनेशन पे है, ठीक है, इरेशनल का, और रेशनल होगा तो क्या होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा जैसे 0.5, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रेकरिंग होगा, तो जहाँ भी रेकरिंग लगा सकते हो रिपीटिंग हो गया, पीरियोडिक हो गया, तो रेशनल हो गया, जैसे 22/7 का एक्सपेंशन है, ठीक है, 36 हो गया, 40 सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ
इसका इसका सर लैंग्वेज समझेंगे कैसे सर? हाँ लैंग्वेज आगे हमने देखा नहीं क्या है एक्चुअली, मेनली हमने देखा कि अल्फा किस तरह का है, अल्फा का पैटर्न देख लिया हमने सीधा सीधा। एन की पावर बी डिजिट ऑफ टू इज वन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे वन आ रहा है ना, जैसे पहला फिर यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा है इस तरीके से, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें अल्फा में डेसिमल कैसे आ रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है एक्चुअली। सो के अगर नेचुरल रख दो मान लो, तो वन इंटू टू बाई टू वन माइनस वन जीरो, ठीक है, के को टू रख दोगे टू इंटू थ्री बाई टू टू इज जीरो है ना, तो इधर इस फॉर्म का एन जो है ना उस पे जीरो आएगा, बाकी पे वन आएगा, वो कहना चाह रहा है। तो इसीलिए मतलब सीधा अल्फा देखो, बाकी कंडीशन छोड़ो, अल्फा को देख के पता चल जाएगा आपको कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो इरेशनल है ना, और इसमें रेकरिंग नहीं लगा सकते, इसलिए डी सही है। 35 ए एन है 1/100 की पावर 10^100, 2n है द 2n अपॉन दिस, और बी एन है 10^100 log n है, अच्छा सी एन है n स्क्वायर बाई 10^10, देन व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सो ए एन बड़ा होगा सी एन से फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन, तो काम करो आप यहाँ पे कि जो पहला ऑप्शन जैसे है तो सी एन से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन विल इंप्लाई ए एन अपॉन सी एन इज मोर देन वन, तो आप ए एन अपॉन सी एन निकाल दो, निकाल सकते हो ए एन अपॉन सी एन, और जो ही ए एन अपॉन सी एन निकालेंगे 2^n/n² है, तो ऊपर एक्सपोनेंशियल और डोमिनेट करेगा, तो ये हमेशा इसका अनलिमिटेड इन्फिनिटी आएगी जो कि है ना मोर देन वन है, तो इसका मतलब एन डोमिनेटिंग है, सही बात है, ये ट्रू है, सेम बाकी में भी करना है, अब बस रेशियो ले लो, ठीक है ना, डिवाइड करके आप चेक कर लो लिमिट क्या आ रही है, फिर वो मोर देन वन या लेस देन वन उसके हिसाब से देख लेना ये, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा रेशियो ले, मतलब डिवाइडिंग देन रेशियो ले लो, तो वन से ज़्यादा आएगी वन से कम आएगी वही देखना। 35 हो गया, एंड देन 39 तो और लोग का भी है, 39 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, एन लॉग 1/1/n+1 की लिमिट 1 आएगी, एन प्लस वन लॉग 1/1+n की लिमिट 1 आएगी, एन स्क्वायर लॉग 1/n की लिमिट 1/1/n की लिमिट 1 आएगी, इसकी लिमिट 1 आएगी, लिमिट निकालनी है, एक्सपेंशन लिख लो ना समझ आए तो, लॉग 1+x का फॉर्मूला आता है ना एक्सपेंशन, लिख लो उसमें लगा दो इंटेंसिटी हो जाएगा, तो लॉग 1+x का एक्सपेंशन का पहला टर्म क्या होता है 1+x के एक्सपेंशन में, x ही होता है ना, तो पहला बनेगा चेक कर लो लॉग 1+x का एक्सपेंशन चेक करो, और उसका पहला टर्म x होता है, और अगला टर्म क्या होता है x-x²/2 है ना, तो बस पहला टर्म x हो गया, देखो जब खोलोगे log 1+x को तो पहला टर्म बनेगा ये ऑप्शन में n/(n+1) जिसकी लिमिट 1 आएगी, ओके है, बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे, अगला टर्म सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, फिर ऐसे यहाँ पे जब ओपन करोगे आप 1+(n+1)/n आएगी, तो ये भी 1 हो जाएगी, ये भी ओके है, जब यहाँ ओपन करोगे n²(1)/n तो पहला टर्म तो इन्फिनिटी पे चला गया, तो इसलिए 1 पे नहीं जाएगी, हो जाएगा, बाकी इसमें 0 पे चली जाएगी डी वाली। सो 1+x का एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा दो, चलिए 39 हो गया, किसी का 40 भी था आई थिंक, राइट, तो ना इस तरह थोड़ा फास्ट हो रहा है ना, जब डाउट डाउट कर रहे तो, क्योंकि एक एक करता मैं तो 20 क्वेश्चन में 3 घंटे लगाता, क्योंकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा ये मान के किसी को कुछ नहीं आता है, ऐसा मान के ना कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो, लेकिन आप लोगों को तो बहुत कुछ आता है क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है अभी भी रिविजन हो गया, तो ओके 40 नंबर कहाँ से आएगा भाई, इसमें गायब कैसे हो गया, छोटा करना पड़ेगा लग रहा है क्या, 40 39 के बाद 40, अच्छा तो 40 यही है ना, देखो ये 40 तो नहीं है, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट करें, कहाँ से, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, हाँ ठीक है, अरे कहाँ पे हो, नेक्स्ट रुको रुको 39 पे जाके नेक्स्ट कर दे, ओके चलो, तो ये कह रहा है कि ए एन सब ये बॉक्स आ रहा है ना, इसने एक्चुअली ठीक नहीं किया है, वो थोड़ा वर्ड में टाइप होता है ना, इसलिए इसने बॉक्स ऐसे होगा आर बिलोंग होगा और एक्सन के लिए नेचुरल नंबर होगा, कुछ ऐसा होगा नेचुरल नंबर का सेट, ये सब ठीक करना पड़ेगा। सो नेचुरल नंबर से इस तरह से है, अब एक्स एन जो सिक्वेंस है उसकी वैल्यू या तो जीरो है या वन है,
जीरो अगर एन में नहीं है, इसी को इंडिकेटर फंक्शन बोलते थे हम लोग, इंडिकेटर फंक्शन ऑन सेट ए एम एक्स एन जो है, तो इसकी वैल्यू वन या जीरो आएगी। अगर एन सेट में एक्स है तो वन आएगी, नहीं तो जीरो आएगी। जी एक्स जो है लिमसुप ऑफ एक्स एन है, और एक्स एन मतलब एक सिक्वेंस टाइप का है, जीरो वन जीरो वन आंसर आएगा। ए एन कोई सबसेट है मान लो, है ना, इस तरह से आर का होगा या कुछ दिखना पड़ेगा क्या है। और एक्स एन फंक्शन है, एक्स एन एक फंक्शन है हमारे पास, एक्स एन फंक्शन है ओके, यहाँ से जीरो वन है तो जीरो वन लगी, एक्स एन की वैल्यू ये है। और ए एन एक सेट है, ए एन सेट है, एक्स एन फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू जीरो या वन होगी, है ना, कहने का मतलब ये है। तो लिमसुप ऑफ एक्स एन क्या होगा, ये दिन पहले डिस्कस किया हमने ये क्वेश्चन, एक बार याद आ रहा है मुझे, हाँ ये आदित्य ने पूछा था। सो लिमसुप का डेफिनेशन क्या होता है, तो कह रहा है कि जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स होगा, देन देयर एग्जिस्ट एन सच दैट फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू एम वी हैव एक्स बिलोंग्स टू ए एन। देखो आपको पता है कि लिमसुप और लिमिन इफ इक्वल कब होता है, कन्वर्जेंट होगी, फाइन। सो मतलब ये सीक्वेंस एक्स एन है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है, राइट। और ये क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कि एच एक्स और जी एक्स दोनों वन है, तो जो एच एक्स और जी एक्स फंक्शन दोनों वन तभी होगी जो एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सो एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो लार्ज एन के लिए, है ना, तुमको डेफिनेशन याद है कन्वर्जेंस का क्या होता है, कि अगर एक्स एन कन्वर्जेंट है तो कुछ टर्म को छोड़ दो, तो वो कुछ टर्म क्या है, एम टर्म्स को छोड़ दो, तो एम टर्म के बाद सारे टर्म एक ही नंबर आने लगेंगे और वही नंबर तुम्हारा लिमिट होता है। तो ये तो कह रहा है, ये देखो ध्यान से, कि अगर एच एक्स जी एक्स वन है मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये थ्योरम था कि सीक्वेंस इन कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली लिमसुप इज इक्वल टू लिमिनफ। तो कह रहा है एक ऐसा एम मिलेगा जिसके बाद के सारे टर्म ए एन सेट में आ जाएंगे, तो इसका मतलब वन पे कन्वर्ज करें ना, क्योंकि जी एक्स एच एक्स दोनों वन है, तो मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, कहाँ कन्वर्ज कर रही है, वन पे कन्वर्ज कर रही है। तो कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या था, कि कुछ टर्म को छोड़ दो, वो कुछ टर्म हो सकता है एक करोड़ हो, कुछ टर्म को छोड़ दो तो उसके बाद के सारे टर्म वही एक नंबर आने लगेगा बार बार, या उसके बिल्कुल बहुत अल्पसाइलेंट नेबरहुड में आएगा, तो इसका मतलब है कि वो नंबर लिमिट है आपका। तो ये सही है, तो कह रहा है ये कि कुछ टर्म को छोड़ दोगे तो वो एक्स तुम्हारा ए एन में आ जाएगा, मतलब एक्स एन वन के इक्वल हो जाएगा, सही बात। अब यहाँ बोलो डी ऑप्शन, देखो जी एक्स वन है, एच एक्स जीरो है, तो लिमसुप लिमिनफ अलग अलग है, इसका क्या मतलब हुआ, डाइवर्जेंट है, तो वैसा नहीं होगा। फिर आगे जो लिख रहा है देन के बाद, वो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिख रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारा एक्स ए एन में होगा, मतलब वन पे कन्वर्ज करेगी, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि लिमसुप लिमिनफ अगर डिफरेंट है तो कन्वर्ज नहीं करेगी, तो ये अलग है। सेम सी में हो गया कि लिमसुप लिमिनफ अलग अलग है तो डाइवर्जेंट है, और डी ऑप्शन है कि एच एक्स जी एक्स दोनों जीरो है, एक जैसा ए स्टेटमेंट है उसी का सेम जी है, बस वन को जीरो कर दिया, ए डी सेम ही बात कह रहा है, ए कह रहा है कि वन पे कन्वर्ज करेगी, डी कह रहा है जीरो पे करेगी, सही बात है, चेक कर लो। कन्वर्जेंस का डेफिनेशन पे है ये कि एच एक्स जी एक्स जीरो है, मतलब सिक्वेंस कन्वर्जेंट है, जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, तो कुछ टर्म को छोड़ के सारे टर्म सिक्वेंस के जीरो हो जाएंगे, तो मतलब एक्स ए एन में जब नहीं बिलोंग करेगी तो एक्स एन जीरो हो जाएगी, तो मतलब वही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके तो अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने टेस्ट 1-2 कंप्लीट कर लिया, वाह। अब बताओ, क्योंकि मैं तो रूम पे, गेट की है क्लास, तो मुझे जाना पड़ेगा सेट स्टूडियो। चलो थर्ड में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रिकॉर्डिंग अभी वेट नहीं, मतलब तुम्हें रुकना नहीं है, मैं बस उसको रिकॉर्डिंग सेव करके दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूँ, ताकि अलग अलग रहेगा तो बच्चों को देखने में आसान।